हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे संधि के संबंध में जानकारी। तो संधि किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है, अथवा जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा मिलने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। हिंदी में संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, जो कि इस प्रकार है। पहले है, सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि तथा तीसरी है विसर्ग संधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इन तीनों प्रकार की संधियों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए स्वर संधि। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं और इन स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार है। देख लीजिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल तथा स्वर के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहा जाता है। तो ये था संधि के संबंध में कुछ संक्षिप्त विवरण। मिलते हैं हिंदी व्याकरण अथवा साहित्य के और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।